आपको बता दें, तिलक को भारतीय संस्कृति में काफी महत्वता दी गई है। प्राचीन काल से ही लोग अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार अपने ललाट पर तिलक धारण करते आ रहे हैं। यह पुराने जमाने से चला रहा है। पुराने जमाने में राजा भी राज तिलक किया करते थे। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए कोई जाता है तो आज भी उसके माथे पर तिलक लगाया जाता है। इसको बहुत ज्यादा विशेष महत्व हमारे शास्त्र और मान्यताओं में दिया गया है। आज भी मंदिर में पंडित जी सभी के ललाट यानी कि माथे पर तिलक लगाते हैं। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जब भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं उस समय भी तिलक लगाया जाता है। शुभ कार्य जैसे रक्षाबंधन, नाग पंचमी और भैया दूज के अवसर पर बहने अपने भाइयों के मस्तक के अग्र भाग पर तिलक लगाकर उनके लिए मंगल कामना करती हैं। महिलाएं भी तिलक लगाकर ही अपने पति की आयु के लिए कामना करती हैं। सुखद यात्रा पर जाने से पहले भी तिलक लगाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि तिलक सदैव बैठकर ही लगाना चाहिए। ललाट के दाहिने भाग में श्री ब्रह्मा, वाम पार्श्व में शिव जी तथा मध्य भाग में श्री कृष्ण वास करते हैं, इसलिए मध्य का अंश खाली रखना चाहिए जिससे ललाट पर श्री विष्णु जी का वास बना रहे। आराध्य पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन से ही तिलक लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। चलिए आपको तिलक लगाते समय किस मंत्र को पढ़ना चाहिए वो भी बताते हैं। स्नान दान तपो होमो देवता पितृ कमंच चे ततस्व निष्फल यात ललाटे तिलक बिना ब्रह्मांड सिलक कुत्व क्रश्य तर्पणम। अर्थात इसका अर्थ होता है, तिलक के बिना स्नान, हवन, जप, तप व देव कार्य आदि सभी फल विहीन हो जाते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि तिलक धारण करने के पश्चात ही तर्पण आदि कार्य करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।